सीरियल गुम है किसी के प्यार में की स्टार ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐश्वर्या और नील शादी के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे थे। इनके साथ ही नील ने शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा। इस दौरान ऐश्वर्या की फैमिली ने अपने दामाद की खूब खातिरदारी की है। अपने इस वीडियो में हम आपको इस कपल के लेटेस्ट फोटोज दिखाने वाले हैं। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, शादी के बाद मैंने नील के साथ अपने मायके में पहली बार कदम रखे हैं। मैंने और नील ने मेरे मम्मी डैडी को शादी की सालगिरह का गिफ्ट दिया है। मैं अपनी फैमिली के साथ केवल 18 घंटे ही बिता पाई। मैं कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है कि मैं घर आ रही हूँ। मैं सबके रिएक्शन देखना चाहती थी। कुछ टाइम पहले ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट इन फोटोज की वजह से पूरी तरह से ट्रोल भी हो रहे हैं। फैंस फोटोज देखकर ऐश्वर्या को ताना मार रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि एक्ट्रेस और एक्टर को वापस आने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या और नील के बिना भी गुम है किसी के प्यार में की कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान ऐश्वर्या शर्मा और नील ने फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है। हालांकि एक्ट्रेस कुछ और टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती थी। ऐश्वर्या और नील ने अपनी फैमिली के साथ जमकर पोज भी दिए फोटोज में। एक्ट्रेस और नील काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। भला आपको ऐश्वर्या और उनकी फैमिली की ये फोटोज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।